हाय गाइस, क्वेश्चन इज पीके मैथ्स और साइंस में टोटल मार्क्स जो 28 आए हैं और आपको एक आधार किया, अगर उसके मैथ्स में जितने भी पहले मार्क्स आए थे अगर उससे 3 नंबर ज्यादा आते और साइंस में जितने पहले मार्क्स आए थे उससे 4 नंबर कम आते तो उनका जो प्रोडक्ट है वो 180 होता, तो आपको मैथ्स और साइंस का स्कोर बता रहे हो। तो मैथ्स में मान लो एक्स मार्क्स आए हैं और साइंस में मान लो वाई मार्क्स आए, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दोनों में मिला के जो टोटल आया 28 है, तो वाई की वैल्यू 28 माइनस है। फिर आपको एक आधार की मैथ्स में जितने भी उसके मार्क्स आए अगर उसे 3 ज्यादा आते हैं और साइंस में जितने मार्क्स आते हैं उसे 4 कम अगर आप कर दो तो इनका जो प्रोडक्ट है 180 होगा। इसको सॉल्व करके आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी x²-21x+108=0। यहाँ आप मिड और स्प्लिटिंग करोगे तो -12x-9x हो जाएगा। फैक्टराइजेशन करके आपके पास आता है x-12x-9=0, या तो x की वैल्यू 12 आएगी x की वैल्यू 9। तो अगर x की वैल्यू आप 12 लेते हो तो पॉसिबल स्कोर क्या होगा मैथ्स में 12 और साइंस में 18। लेकिन अगर आप x की वैल्यू 9 लेते हो तो पॉसिबल स्कोर क्या होगा मैथ्स में 9 और साइंस में 19। फॉर मोर सच वीडियो सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।